हे दोस्तों, तो कैसे हो सभी। तो आज की इस वीडियो में हम दो मोस्ट वेटेड अपकमिंग स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने वाले हैं। एक है वन प्लस जेड एंड द अनदर वन इज मोटो एच लाइट। यस, ये स्मार्टफोन भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। और आपको बता दूं कि ये दोनों स्मार्टफोन आपको अराउंड 25,000 के आसपास देखने को मिलने वाला है, जो कि एकदम मार्केट में आग सी लगाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो हे दोस्तों, मेरा नाम है गुरमीत, आप देख रहे हैं टेक। वेलकम टू दिस अमेजिंग कमाल की वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो ऐसे अभी कोई दोनों की ऑफिशियल डेट तो सामने नहीं आई है, बट बताया जा रहा है कि जो वन प्लस जेड है वो 10 जुलाई को लॉन्च हो सकता है, और वहीं जो मोटो एज लाइट होगा ये स्मार्टफोन 7 जुलाई को यूरोप मार्केट में लॉन्च होने वाला है, और बहुत ही जल्द आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़े और बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में। तो जो वन प्लस जेड है वहां पे आपको एक 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और वहीं जो मोटो एज लाइट होगा वहां पे आपको एक 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद 5x सेल्फी कैमरा। अब यहां पे 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगी या फिर नहीं होगी, इसकी अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुई है। अगर यहाँ पे बात करें कैमरा कंपैरिजन की, तो वन प्लस जेड में आपको तीन कैमरास देखने को मिलेंगे, जिसका मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल की एक 5x सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर बात करें मोटो एज लाइट की, यहाँ पे आपको चार कैमरास देखने को मिलेंगे, जिसका मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। यहाँ पे भी आपको 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 8 और 5 मेगापिक्सल के दो और सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आपको दो सेल्फी कैमरास देखने को मिलेंगे, जो कि होगा 8+2 मेगापिक्सल का। जो 2 मेगापिक्सल का होगा वो एक डेप्थ सेंसर होने वाला है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको काफी कमाल के कैमरास देखने को मिल जाएंगे। अब मैं ये जज नहीं कर सकता कि यार मोटो एच लाइट में चार कैमरास है तो उसके ही अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है। क्या पता वन प्लस जेड के अच्छे हों, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वन प्लस जेड में आपको थोड़े बेटर कैमरास देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की, परफॉर्मेंस किस में आपको बेटर देखने को मिलेगी। तो ऐसी लीक्स आ रही है कि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G प्रोसेसर है और आपको काफी कमाल की परफॉर्मेंस दे देगा। ये जो प्रोसेसर है 7nm टेक्नोलॉजी पर बेस है, जो कि आपको एकदम पबजी खेलो या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छी काफी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों में सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन पे भी काफी कुछ डिपेंड होता है, और वन प्लस की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी बेटर है एज कंपेयर टू मोटो। एज पर द लीक्स वन प्लस जेड में आपको दो रैम वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, 8/128 एंड 8/256 GB। यहाँ पे आपको मे बी DDR4 रैम देखने को मिले विद UFS 2.1। ऑन द अनदर साइड मोटो एज लाइट में आपको तीन रैम वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 464, 6128 एंड 8/256, और यहाँ पे भी आपको DDR4 और UFS 2.1 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बैटरी कंपैरिजन करें, क्योंकि बैटरी भी आई थिंक काफी इंपोर्टेंट होती है एक स्मार्टफोन के लिए, जिसके बिना आपका स्मार्टफोन कुछ भी नहीं है। तो जो वन प्लस जेड होगा वहां पे बताया जा रहा है कि आपको 4000 mAh बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि सपोर्ट करेगी 30W फास्ट चार्जिंग को, और वहीं जो मोटो एज लाइट होगा वहां पे आपको 4800 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि सपोर्ट करेगी 18W फास्ट चार्जिंग के साथ। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। बाकी मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि आप अपने स्मार्टफोन में कितने वोट की फास्ट चार्जिंग चाहते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर मानू तो यहाँ पे 30W फास्ट चार्जिंग आई थिंक इनफ है, अगर 18W भी होती है उससे भी काम चल जाता है। अब यहाँ पे जो 65W है अभी उसकी हमें जरूरत नहीं है। बाकी आप सबके क्या ओपिनियन है फास्ट चार्जिंग को लेकर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इन दोनों स्मार्टफोन में आपको टाइप सी देखने को मिल जाएगी, 5G कनेक्टिविटी होने वाली है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, और आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 देखने को
मिल जाएगा। बाकी देखते हैं कि इन दोनों का जो प्राइस होता है एग्जैक्ट प्राइस वो किस प्राइसिंग पे लॉन्च होता है। आई थिंक जो वन प्लस जेड होगा वो थोड़ा सा सस्ता लॉन्च हो सकता है एज कंपेयर टू मोटो एज लाइट। बट भूलना मत कि जो मोटो वो आजकल काफी एग्रेसिव प्राइस पे अपने स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, तो ये काफी एक्साइटिंग बात होगी कि इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस क्या होते हैं। और आई थिंक आप सब लोग भी इन दोनों स्मार्टफोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह भी बता देना कि आप इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना पसंद करेंगे। तो ये था फीचर कंपैरिजन बिटवीन OnePlus Z एंड Moto Edge Lite। तो आप देखते हैं कि ये दोनों स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में क्या कुछ कमाल करते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग क्रिएटिव टेक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।